गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे केपॉप इंडिया कॉन्टेस्ट के बारे में। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ लोगों की वीडियोस नहीं आई, इस बारे में डिस्कस करेंगे। आगे क्या कर सकते हैं वो भी जानेंगे और एक ऐसी बात आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद कोई भी नहीं बताता। अब पता सबको होती है लेकिन मैं ये नहीं जानता कि बेसिकली वो लोग आपको क्यों नहीं बताते। पहले तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि लास्ट डेट कब है केपॉप इंडिया कॉन्टेस्ट की, तो आपको बताना चाहूंगा 11 मई इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आपके पास अब 2 दिन या फिर 3 दिन बचे होंगे जब तक ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। देखो गाइस, मैंने एक वीडियो में आपको बहुत क्लियरली बताया था कि जो साउथ कोरिया है वो सिर्फ के ड्रामास या केपॉप की वजह से नहीं जाना जाता, और जो लोग ये सोचते हैं कि साउथ कोरिया मतलब केपॉप के ड्रामा, तो ये बहुत गलत है क्योंकि साउथ कोरिया पहले से ही ऑलरेडी फेमस है। इस बारे में हमने एक वीडियो में और बात की थी लेकिन आपको फिर से बताना चाहूंगा, जो साउथ कोरिया की मल्टीनेशनल कंपनी है जो हम जाइंट बोल सकते हैं, जिसमें से सैमसंग, एलजी, जी हाँ दोस्तों एलजी भी साउथ कोरिया की है, और बात करें होंडाई यानी होंडाई मोटर्स भी साउथ कोरिया की है। आपने देखा होगा किया कार आजकल काफी ज्यादा चल रही है इंडिया के अंदर, आपको बताना चाहूंगा किया जो कार है वो भी साउथ कोरिया की है। जो लोग नई जनरेशन के हैं जिनको जेनजीज बोलते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने के ड्रामास के पॉप को देखने के बाद साउथ कोरिया को जाना, लेकिन जो ऑलरेडी जानते हैं साउथ कोरिया को उनको पता है कि साउथ कोरिया अपनी कंपनीज की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि केपॉप की वजह से साउथ कोरिया ग्रो नहीं हुआ है, साउथ कोरिया में केपॉप का बहुत बड़ा हाथ है। बड़े बड़े ग्रुप्स ने ये प्रूव किया है कि साउथ कोरिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत आगे निकल सकता है। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक बात छुपी हुई है, और ये बात आप जरूर पकड़िए यानी वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि वो बात आपको समझ में आ सके। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आपने देखा होगा केपॉप इंडिया कॉन्टेस्ट है वो एलजी द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, एलजी कंपनी द्वारा, और मैंने आपको अभी बताया था जो एलजी कंपनी है वो साउथ कोरियन है। यहां पर केपॉप इंडिया कॉन्टेस्ट को स्पॉन्सर करना एलजी द्वारा कोई इत्तेफाक नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि एलजी हमेशा से ही केपॉप को सपोर्ट करता आया है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि केपॉप इंडिया कॉन्टेस्ट को एलजी स्पॉन्सर करता है, क्योंकि ये चीज मैंने पहले से ही आपको बता दी कि जो एलजी है वो साउथ कोरियन है और वो केपॉप को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों के लिए, अगर आप इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, केपॉप इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो चांसेस है वो आपके ही होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था 5 डेट को ही मैंने इसके बारे में बता दिया था, और मैं जब से ही आपको बता रहा हूं कि इसको सीरियसली लो, मजाक में मत लो, कुछ भी अपलोड मत करो, रूल एंड रेगुलेशन के साथ वीडियो को अपलोड करो, क्योंकि ये आपके करियर को बनाने में काफी बड़ा योगदान दे सकता है, काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित आपके लिए हो सकता है। एलजी ये काम पहली बार नहीं कर रहा है, इसने इससे भी पहले बहुत बड़े बड़े इवेंट को स्पॉन्सर किया है जहां पर बड़े बड़े केपॉप स्टार आए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2016 के अंदर आपने देखा होगा लॉस एंजलिस में कौन म्यूजिक फेस्टिवल को एलजी ने ही स्पॉन्सर किया था, और उस फेस्टिवल के अंदर जितने भी केपॉप स्टार थे, जितने भी फेमस थे, वो सभी लोग आए थे। और मैंने 2018 में भी एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको क्लियर किया था कि एलजी स्टाइलर कॉम्पिटिशन्स भी निकालता है, यानी केपॉप स्टाइल कॉम्पिटिशन, इन कॉम्पिटिशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहां पर आप अपने फेवरेट केपॉप स्टार, केपॉप आइडल से मिल सकते हो। ये चीज़ मैंने बताई थी और वो 2018 में निकला भी था, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया बट इतना लोग जानते नहीं थे उस टाइम, लेकिन अगर अब निकलता है तो आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। केपॉप स्टाइलर कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जहां पर आपको जो केपॉप आर्टिस्ट हैं उनकी स्टाइल को पहचानना होता है, उनके लुक को पहचानना होता है, और अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। कहने का मतलब एक तरह से हम फैशन कॉम्पिटिशन इसको बोल सकते हैं। इसमें इतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करनी होती, ये बहुत ईजी होता है, बस आपको पहचानना है, स्टाइल को पहचानना है कि इस तरह की स्टाइल कौन करता है। कुछ क्यूजेज होते हैं और भी कुछ चीजें होती हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, अगर आगे कभी आएगा तो आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है। अगर आप उस पार्टिसिपेट में विनर होते हैं तो फिर आपको अपने फेवरेट आइडल से मिलने का मौका मिलता है। यहां पर BTS के ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स ने LG के फोन्स को प्रमोट किया है, तो हम कह सकते हैं कि जो लोग BTS लवर हैं या फिर BTS आर्मी हैं
उनके लिए ये कंपटीशन एक गोल्डन चांस, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और 2018 के बाद शायद ये कंपटीशन आया भी नहीं है, और मे भी हो सकता है कि अब ये कंपटीशन आपको देखने को मिले आने वाले कुछ टाइम में, इन द सेंस हो सकता है कि 2-3 महीने बाद आपको LG का ये कंपटीशन भी आपको देखने को मिले। फिलहाल अभी ये कंपटीशन है, इसको पूरा कीजिए, अच्छे से कीजिए, ताकि आप विनर हो सकें और विजिट कर सकें कोरिया के अंदर। तो यहाँ पर अब बात करते हैं उन लोगों की, जिन लोगों ने अपनी वीडियो सेंड कर दी लेकिन उनकी कोई अपडेट नहीं आई है। तो गाइज वेट कर लीजिए, आ जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है कि जो मैनेजमेंट टीम है वो इतना एक्टिव नहीं है इन काम को लेकर, इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन जितने लोग भी अपना कंपटीशन, अपना रजिस्ट्रेशन वीडियो अपलोड करेंगे, उनकी डेफिनेटली उधर वीडियो आएगी। अभी 15 मई तक का आपको वेट करना होगा, क्योंकि जो रिजल्ट अनाउंसमेंट है वो भी उसी डेट को दिखाया जाएगा। तो हो सकता है कि उस टाइम आपकी वीडियो आ जाए, और अगर फिर भी नहीं आती तो आप एक बार किसी अदर नंबर से भी ट्राई कर सकते हैं। अब वैसे तो करना नहीं चाहिए क्योंकि एक में ही आ जाएगा, लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप किसी अदर नंबर से ट्राई कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज अगर आपको ये नहीं पता कि मैं किस कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, कौन सा वो केपॉप इंडिया कॉन्टेस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, तो आपको जो ये वीडियो, इस वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाइए फटाफट उस वीडियो को देखिए, 2 दिन का टाइम है, आप अपना जो रजिस्ट्रेशन वीडियो है वो बनाकर सबमिट कर सकते हैं। इतना सा आपको काम करना है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली कर सकते हो, पूरा वीडियो ध्यान से देखना बस। दूसरा कोज एंटरटेनमेंट है, सोर्स म्यूजिक एंटरटेनमेंट है, उसकी मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, जल्दी कोशिश करूंगा, तो हो सकता है कि आज ही आपको उसकी वीडियो देखने को मिल जाए। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ताकि उसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बना सकें। ओवरऑल अगर हम इस वीडियो को देखें तो हमें ये समझ में आया है कि LG के जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं K-pop से रिलेटेड, वो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर आप उनको मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं। K-pop में करियर बनाने का एक ऑप्शन ये भी है कि आपको LG के कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा कनेक्ट है साउथ कोरिया से, बिकॉज साउथ कोरिया की कंपनी, और दूसरा सभी आर्टिस्ट से काफी ज्यादा कनेक्टेड भी है ये कंपनी। आई होप गाइज आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।